फ्रेंड्स, तो मैं नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने आ गई हूँ, जो कि है ये सिंपल सी सैंडविच, जिसमें मैंने आलू और वड़ा पाव की जो स्टफिंग होती है वो थी, तो मैंने इसमें रखी हूँ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो पहले हम इस सैंडविच को इस हमारे छोटे से छोटू मोटू से तवे में हम इसे पकाएंगे, थोड़ा सा टोस्ट करेंगे, उसके बाद में मिलती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ, और जिसमें मैं अपनी सैंडविच डालूँगी। बाय मिस्टेक मैंने इसे बीच में से कट कर ली थी, बट कोई बात नहीं है। और हम अभी इसे अच्छे से टोस्ट करेंगे थोड़ा सा मीडियम पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मसाला इसका गोल्डन कलर आया है। हमने अभी इसे फ्लिप किया है और हम इसे पकने देंगे दूसरी तरफ से। और मैंने इसके लिए काटी हूँ ये टमाटर, कांदा मैंने हाफ स्लाइस में काटी हूँ, मुझे पूरी स्लाइस नहीं इतनी जमती, तो मैंने इसको छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में काटी हूँ, और बताती हूँ आपको बाद। आप देख सकते हैं ये हो चुका है हमारा टोस्ट रेडी। अब हम इस पर असेंबलिंग कर, आप देख सकते हैं इसे ये इसमें तो मैंने आलू की स्टफिंग डाली ही थी। अब हम जो ये छोटे छोटे से, मतलब हाफ आप लोग मत काटना, वो तो मैंने गलती से काट दी थी। अब हम इसमें टमाटो के स्लाइसेस ऐड करेंगे, जैसे हम लोग सैंडविच बनाते हैं वैसे। मुझे ज़्यादा स्लाइस नहीं पसंद है, हम कांदा ज़्यादा इसमें डालेंगे जो कि बड़ा अच्छा लगता है। आपको जितना भी ऐड करना है आप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी हरी चटनी, ये हमारी हरी चटनी इस पर चली जा चुकी है। ये हमने इस पर लगा दिया मेयोनेस, अगर आपको पसंद है तो मेयोनेस लगाए या तो चीज़ लगाए। मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है चीज़, इसलिए मैं मेयो लगाती हूँ, मेयो का टेस्ट भी अच्छा आता है। और अगर चीज़ स्प्रेड हो आप वो भी लगा सकते हैं। और इसके ऊपर से जाएगा थोड़ा सा टमेटो केचप, ये अब इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इस पे डालेंगे हम सबका फेवरेट आलू भुजिया, या जो नायलॉन सेब होती है ना आप वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी है आप मुझे बताना, बहुत अच्छा लगता है कभी ट्राई करना, और मुझे कमेंट करना कि कैसा बना है। ठीक है, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।